फोकस यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। हमारा आज का टॉपिक है सामान्य भूगोल एवं पर्यावरण। पहला प्रश्न, उल्का या मीटियोर है? ऑप्शन ए, तीव्र गति से चलता तारा। ऑप्शन बी, ब्राह्म अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। ऑप्शन सी, तारामंडल का भाग। ऑप्शन डी, पुच्छहीन धूमकेतु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उल्का एक प्रकार का ठोस आकाशीय पिंड होता है जो वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण जल उठता है। उल्कापात के रूप में ये पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। इन पिंडों में लोहा तथा निकल के अंश की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल या कॉन्स्टिलेशंस हैं? ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 79, ऑप्शन डी 90। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। वर्तमान समय में कुल 79 तारामंडल ज्ञात हैं। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। इस तारामंडल में 64 तारे हैं, जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ऑप्शन बी, पृथ्वी के संघटन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। ऑप्शन सी, सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। ऑप्शन डी, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। हमारे सौर परिवार के 8 ग्रहों में से एक पृथ्वी सघनतम है। पृथ्वी के संघटन में ऑक्सीजन की मात्रा 46.8% है, जबकि सिलिकॉन की मात्रा 27.7% है। सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय तथा ध्रुवीय व्यास क्रमशः 12,756 किलोमीटर तथा 18,713 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता या लेती है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक समय 11.9 वर्ष लेता है, जबकि अन्य ग्रह यथा पृथ्वी 365.25 दिन, मंगल 687 दिन तथा शुक्र 225.8 दिन का समय लेते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ऑप्शन ए असम और राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी असम और गुजरात और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत का सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य क्रमशः अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु यानी अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात में है। भारतीय राज्यों का पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम निम्नलिखित है, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। अगला प्रश्न, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है? ऑप्शन ए 68.7 पश्चिम गुजरात में, 68.7 पश्चिम राजस्थान में, 68.7 पूर्व गुजरात में, 68.7 पूर्व राजस्थान में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु 68.7 पूर्व गुजरात में स्थित सर क्रीक कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित जल की 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। अगला प्रश्न, नंदा देवी चोटी ऑप्शन ए असम हिमालय का भाग है, ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय का भाग है,
ऑप्शन सी नेपाल हिमालय का भाग है, ऑप्शन डी पंजाब हिमालय का भाग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड की नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। सतलज नदी से काली नदी के बीच विस्तृत लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय की अन्य प्रमुख चोटियों में कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न, अग्रलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? ऑप्शन ए अलवर पर्वत, ऑप्शन बी मुकंदरा पहाड़ियां, ऑप्शन सी गिरवा पर्वत, ऑप्शन डी डोरा पर्वत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। मुकंदरा पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। कोटा और झालावाड़ के बीच स्थित इस भूभाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, अतः चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगला प्रश्न, भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी सियाचिन, ऑप्शन सी केटू, ऑप्शन डी कारगिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतवर्ष की सबसे ऊंची एवं संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू या माउंट गॉडविन ऑस्टिन है। इसका पूर्व नाम कृष्णागिरी था, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8611 मीटर है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी अरावली पहाड़ियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली श्रेणी प्री क्रैम्बियन काल की चट्टानों से निर्मित अत्यधिक प्राचीन व अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली विच्छिन्न पहाड़ियों के रूप में गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है।